दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ जिसको यूज़ करके आप लिखेंगे तो हिंदी में लेकिन आपका मैसेज इंग्लिश में होगा। दोस्तों ये बहुत ही अच्छी ट्रिक है, इस ट्रिक को मैं खुद यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मुझे भी ज़्यादा इंग्लिश नहीं आती, तो मैं आपको बताने वाला हूँ। सपोज़ कीजिए इंडिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको इंग्लिश नहीं आती है, तो वो इंग्लिश में मैसेज को हिंदी में मैसेज को टाइप करेंगे और जिसके पास मैसेज जाएगा वो इंग्लिश में जाएगा। मतलब कि आप टाइप करेंगे हिंदी में, जैसे कि मैं लिखता हूँ, हेलो हेलो भाई कैसे हो, हेलो भाई कैसे हो। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये मैसेज मैंने टाइप किया है, लेकिन ये मैसेज में अगर मैं सेंड पर क्लिक करूँगा तो बिल्कुल सेम ऐसा ही जाएगा। लेकिन दोस्तों मैं आपको जो ट्रिक बताने वाला हूँ एक ऐसी ट्रिक बताऊँगा जिससे कि आप लिखोगे हेलो भाई कैसे हो तो वो अपने आप ही इंग्लिश में कन्वर्ट होकर सामने वाले के पास जाने वाला है। दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी ट्रिक है, मैं खुद इस ट्रिक को यूज़ करता हूँ जिससे कि आपका इंप्रेशन भी बढ़ेगा और सामने वाले को लगेगा भी कि आपको इंग्लिश आती है, जिससे आप बहुत जल्दी इंग्लिश टाइप कर सकोगे। दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी ट्रिक है जो ट्रिक बताने वाला हूँ मैं आपको, आप इसे यूज़ करके बहुत ही अच्छे से इंग्लिश बोलना भी सीख सकते हैं और आपको साथ से साथ आप हिंदी में टाइप करेंगे तो आपका हर एक वर्ड इंग्लिश में कन्वर्ट होते जाएगा। तो दोस्तों इसलिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूं ताकि आपकी हेल्प हो सके। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करके, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, और बेल आइकन को जरूर दबा लेना। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। इस वीडियो को मैं आप वीडियो में आपको सिखा दूंगा कि कैसे आप हिंदी में टाइप करेंगे और सामने वाले के पास व्हाट्सएप पर इंग्लिश में मैसेज जाएगा। तो दोस्तों इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है मैं आपको दिखा देता हूं। सबसे पहले आपको अपना प्ले स्टोर ओपन करना है और यहां पर आपको सर्च करना है, सबसे पहले आपको सर्च करना है एक जीबोर्ड ऐप, जी बोर्ड। देखिए दोस्तों ये सबसे ऊपर आ गया है, इस ऐप को इंस्टॉल कर लेना है, मैंने इस ऐप को इंस्टॉल कर रखा है। तो इसकी जो भी टर्म एंड कंडीशन है सबको अलाउ कर देना है आपको, सेटिंग में जाकर परमिशन दे देनी है। और उसके बाद आपको एक सॉफ्टवेयर और डाउनलोड करना है, उसका नाम है गूगल ट्रांसलेटर, क्योंकि मैंने भी इस ऐप को डाउनलोड कर लिया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ओपन का ऑप्शन आ रहा है, तो इसको भी आप ओपन करके और इसको ट्रांसलेटर की जो भी परमिशन है आप इसको दे सकते हैं। देखिए मैं आपको ओपन करके एक बार दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हैं, जो भी आपकी लैंग्वेज है, जो भी आपकी लैंग्वेज है। सपोज़ कीजिए यहाँ पर हिंदी मेरे को अगर डाउनलोड करना हो तो हिंदी की लैंग्वेज मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। देखिए हिंदी की लैंग्वेज डाउनलोड होगी। तो दोस्तों इस तरह से आप भी जो भी लैंग्वेज है आपकी, तुरंत ही आप भी इस लैंग्वेज को डाउनलोड कर ले, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और दोस्तों उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप व्हाट्सएप पर हिंदी में मैसेज भेजेंगे और इंग्लिश में जाएगा। तो दोस्तों जरूर अभी चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी आपको ट्रिक से रिलेटेड चैनल्स पे वीडियो मिलती रहती हैं, तो तुरंत ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो देखिए दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ, आपको सिंपली अपना व्हाट्सएप ओपन करना है और मैं आपको वो तरीका बताता हूँ जिससे कि आप हिंदी में टाइप करेंगे और इंग्लिश में कन्वर्ट होकर मैसेज जाएगा। तो दोस्तों अब यहाँ पर आपको देख रहे होंगे जीबोर्ड का कीबोर्ड खुल के आ गया है आपके सामने, यहाँ पर आपको गूगल का आइकन दिख रहा होगा, आपको गूगल के आइकन पर क्लिक करना है। और यहाँ पर देखिए दोस्तों फोर्थ नंबर पर आपको गूगल ट्रांसलेटर ऐप जो है उसके आइकन को आपको दिख रहा होगा, इस पर आपको क्लिक करना है। और दोस्तों इसके बाद आपको टाइप करना है मैसेज, जो भी मैसेज आप टाइप करना चाहते हैं और वो अपने आप ही ट्रांसलेट होगा। यहाँ पर आपको पहले हिंदी सिलेक्ट कर लेना है। अब देखिए दोस्तों मैं टाइप करके आपको मैसेज दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों मैंने लिखा है कैसे हो, हाउ आर यू लिखा हुआ आ रहा है। तो आप इस तरह से मैसेज को सेंड कर सकते हैं, जैसे ही मैं सेंड पर क्लिक करूँगा ये इंग्लिश में अपने आप ही कन्वर्ट होकर जाएगा। टाइप तो हम हिंदी में करेंगे लेकिन वो अपने आप ऑटोमेटिकली इंग्लिश में कन्वर्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी ट्रिक है, तो आप भी इस ट्रिक को यूज़ कर सकते हैं और आप भी किसी के साथ भी इंग्लिश में बातें कर सकते हैं जिससे कि आप बड़ी आसानी से इंग्लिश में किसी को भी मैसेज भेज सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।